हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। तो सेट क्या है? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर सेट के बारे में अगर आप ये याद रख लेंगे तो बहुत है। वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सेट होता है। मैंने बता दिया है कि सेट वेल डिफाइंड कब कब नहीं होगा। जैसे आप अलग अलग बैट्समैन की लिस्ट बनाते हो, या हम ये कहते हैं कि टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, अलग अलग रन रेट के अकॉर्डिंग, स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग। तो बैट्समैन भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बन सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई फिक्स लिस्ट नहीं बना सकते जो सबके लिए कॉमन हो। हर आदमी, हर इंसान अपनी अलग अलग चॉइस बताएगा और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बैट्समैन की लिस्ट बनेगी। तो टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट होगी वो हर इंसान के लिए अलग अलग होगी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ऑड नंबर की बात करें तो मैं बोलूँ ऑड नंबर, तो हर इंसान एक ही जवाब देगा, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ऑड नंबर की लिस्ट फिक्स है, तो ये वेल डिफाइंड है। सबसे पहले हम ये बताएंगे, सेट जो है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, ए बी सी एक्स वाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटल लेटर होंगे। ये सेट को बताने का तरीका हो गया। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सारे सारे क्या? स्मॉल लेटर। अच्छा, एक ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर को हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे अल्फाबेट जो है ना ए बी सी, वैसे ग्रीस में भी एक अल्फाबेट सिस्टम चलता है, या हम कहते हैं वो सिंबल यूज करते हैं। तो एक सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ये और ये, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे मैंने एक सेट बनाया, मान लो एक सेट बनाया ए, और इसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने, बवाल ही डाल दिए सारे के सारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब मैं कहूँ कि क्या ए इस सेट का एलिमेंट है, तो कहूँगा हाँ है, ई है हाँ है, आई है हाँ है, ओ है हाँ है, यू है हाँ है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होगा तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यू बिलोंग्स टू, ये यू है ना, कैपिटल ए। सारे के सारे एलिमेंट इस मेंबर हैं, तो हाँ है। अब अगर मैं कहूँ क्या बी बिलोंग्स टू है, तो उसको हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बात जो है वो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू की हुई, ठीक है। अब बात करते हैं सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आता है हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, दो फॉर्म में हम इसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म क्या होगा? कोई भी सेट होगा ना,
उसको उसके जितने भी एलिमेंट है उसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा वॉवल, तो वॉवल को सारे हमने कॉमा सेपरेट करके ब्रैकेट में लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होंगे वो लिस्टेड होंगे, ठीक है। और लिस्टेड, ये लिस्टेड है और सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा। रोस्टर फॉर्म में ये होगा, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, पर एक पर्टिकुलर सेट होगा, उसके सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। मान लो अगर मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहूं जो 25 को डिवाइड करे, मतलब ऐसे नंबर जो 25 को डिवाइड करते हों, ठीक है, नंबर विच डिवाइड 25। तो देखो 25 को 1 डिवाइड करता है, 5 भी करता है और 25 भी करता है। ये ऐसे नंबर जो जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके अप टू चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्टेड फॉर्म में है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पर हमने इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया वो कॉमा लगा के और ब्रेसेस में डाल दिया। तो इसके अंदर ब्रेसेस होंगे और एलिमेंट सारे के सारे लिस्टेड होंगे और सेपरेटेड बाय कॉमा होंगे। अच्छा अच्छा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है रोस्टर फॉर्म में, कि जो ऑर्डर होता ना एलिमेंट लिखने का, वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मतलब वो मैटर नहीं करता। कारण अगर इस सेट को मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, सारे एलिमेंट ऊपर नीचे कर दूं, आगे पीछे कर दूं, तो ई ए यू ओ आई, तो ये सेट और ये सेट सेम ही होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से लिखने से ये मतलब नहीं कि सेट अलग हो गया या अलग हो गया। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट इज रिटन इज नॉट मटीरियल, ओके। तो हम ये कह सकते हैं द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटीरियल, ठीक है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एलिमेंट कैसे लिखते हो। तो ये अगर सेट है 1525, तो ये सेम सेट होगा 5125 या फिर 2515, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को जो है ना एक प्रॉपर्टी से फॉलो करता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, ब्रेसेस इसमें भी होंगे, ठीक है, पर फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे एक्स होगा, फिर कोलोन होगा और फिर कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये जो बता रहा है ब्रेसेस, ये ब्रेसेस क्या बता रहा है कि ये जो पूरा सेट है एक कॉमन प्रॉपर्टी को, ये पूरा सेट एक कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, पजेस मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी अगर किसी सेट में है उसको लिखा जाता है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है। अब जैसे ऐसी सेट की बात करें तो ये क्या है, ये सारे के सारे वॉवल है, ठीक है। तो इसी रोस्टर फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम क्या बताएंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये जो ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, ये जो ब्रेसेस है इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, और ये जो कोलोन है, ये दो डॉट लगाए ना, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है। तो हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, एक्स इज ए वॉवल ऑफ, एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तो ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नंबर है जो 25 को डिवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि 25 के जितने भी फैक्टर है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1525, हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ 25। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये तो हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स और ये इंग्लिश। ठीक है, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों मिक्स हुई हुई है, ये प्योर मैथ है, उसमें इंग्लिश के स्टेटमेंट भी हैं, मैथ भी है। ठीक है, तो जरूर नहीं इंग्लिश के स्टेटमेंट हो, कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और नेचुरल नंबर का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, और एन क्या है यहाँ पे, एन इज बिलोंग्स टू मतलब मेंबर है कैपिटल एन का, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन का क्या है, मेंबर है, और उसका स्क्वायर हो रहा है बार बार। जैसे एन नेचुरल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आया तो करो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। जितना आप शेयर करोगे उतना स्टूडेंट का फायदा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक पहुँचे।